इस वीडियो में आज हम डेटा इंटीग्रिटी का एक ओवरव्यू देखेंगे और जानेंगे डेटा इंटीग्रिटी किसे कहते हैं। डेटा इंटीग्रिटी दरअसल कहते हैं कि जो भी डेटाबेस में हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी करेक्टनेस को, यानी कि वो कितना डेटा जो हमने एंटर किया है वो सही है, और उसकी कंसिस्टेंसी को, यानी कि जो हमारा डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो साथ साथ अपडेट हो रहा है। ये वो दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि डेटा इंटीग्रिटी का बहुत ही अहम हिस्सा है। ये दो चीज़ें होंगी, यानी डेटा जो हम एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट डेटा हम एंटर कर रहे हैं, और हमारा डेटा जो है वो अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा जो है वो उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी इंटीग्रिटी जो है वो मजबूत है। तो हमने क्या करना होता है कि डेटा इंटीग्रिटी के जो रूल्स हैं ये दरअसल हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारा डेटाबेस महफूज रहे और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो जिससे जो है हमारा डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो। डेटा इंटीग्रिटी की वजह से हमारे डेटाबेस की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ डेटाबेस की जो प्रिसिशन है, यानी कि जो कि हमने ऊपर बात की, यानी डेटाबेस की जो करेक्टनेस है वो भी इसके साथ इंक्रीज हो जाती है। तो डेटा इंटीग्रिटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ताकि इसके ऊपर कोई अनऑथराइज्ड ऑपरेशन जो कि डेटाबेस के असूलों के खिलाफ होते हैं वो अप्लाई ना किए जा सकें। और इंटीग्रिटी से हमें ये पता चलता है कि जो डेटाबेस में हम डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, यानी क्वालिटी ऑफ डेटा का भी डेटा इंटीग्रिटी के साथ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब डेटा इंटीग्रिटी की मज़ीद डिटेल जानते हैं कि इसके अंदर कौन से दो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। डेटा इंटीग्रिटी के अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट हैं या इसके जो रूल्स हैं, या इनको कंसिस्टेंसी रूल्स भी कहा जाता है, ये दरअसल दो हैं। एक कहलाता है एंटिटी इंटीग्रिटी और एक कहलाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। अब यहाँ पे एंटिटी से मुराद क्या है कि कोई भी आप डेटाबेस बना रहे हैं, लेट सपोज अगर आप कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो कॉलेज के डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट होगा वो दरअसल क्या होगा, वो एक एंटिटी है। इसी तरह जो टीचर है वो भी क्या है, एक एंटिटी है। तो जब भी हम किसी भी एंटिटी का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, ये रूल्स एंटिटी इंटीग्रिटी कहलाते हैं। ये रूल्स क्या हैं, ये रूल्स दरअसल अप्लाई होते हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कुछ कंस्ट्रेंट कहते हैं असूलों को जो अप्लाई होते हैं प्राइमरी वैल्यूज़ के ऊपर। जैसे हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो प्राइमरी वैल्यू होगी वो होगी उसका रोल नंबर। प्राइमरी वैल्यू वो होती है इसकी मदद से हम उस स्पेसिफिक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह टीचर जो होगा इसकी प्राइमरी वैल्यू होगी टीचर आईडी, इसको हम टी अंडरस्कोर आईडी से भी शो कर सकते हैं। तो प्राइमरी वैल्यू जो होती हैं इनके अंदर क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, एक रूल इसमें अप्लाई होता है कि जो हमारी प्राइमरी वैल्यू होगी वो तमाम एंटर होती हैं प्राइमरी की के अंदर, वो तमाम की तमाम क्या होंगी, वो यूनिक वैल्यूज़ होंगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही हो, यानी ऐसा नहीं हो सकता एक स्टूडेंट है उसके, एक स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 101 और एक और स्टूडेंट है उसका नंबर रोल नंबर भी है 101। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं जो कि एंटिटी इंटीग्रिटी के असूलों के ख़िलाफ़ हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे नो डुप्लीकेट वैल्यू, प्राइमरी की में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, प्राइमरी की यूनिक होगी हर स्टूडेंट के लिए, और प्राइमरी की जो होगी वो नल नहीं हो सकती, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको रोल नंबर असाइन ना किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्टूडेंट का आपने नाम एंटर कर दिया, उसका एड्रेस एंटर कर दिया और आपने उसको कोई रोल नंबर असाइन नहीं किया। तो रोल नंबर चूँकि एक प्राइमरी वैल्यू है उसे असाइन करना लाजमी होता है। ये एग्जाम्पल थी एंटिटी इंटीग्रिटी की। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पे एक टीम के नाम से एक एंटिटी मौजूद है जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टीम आईडी और एक है टीम नेम। जो टीम आईडी हमारे पास है उसके अंदर टीम आईडी लिखा हुआ है T1 और टीम नेम लिखा हुआ है टीम ऑसम, ये टीम का नाम है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो टीम सुपर है इसको यहाँ पे टीम आईडी असाइन नहीं की गई। यहाँ पे जो टीम आईडी है ये दरअसल हमारी क्या है, ये हमारी प्राइमरी की है। तो जितनी भी प्राइमरी कीज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी की खिलाफ वर्जी की गई है, जो ये वाली टीम थी लाजिम था हमारे लिए कि हम भी इसको एक प्राइमरी वैल्यू असाइन करते, हम इसको एक टीम आईडी असाइन करते। तो जो यहाँ पे असाइन नहीं की गई, यानी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो एक नल वैल्यू आ रही है, नल वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। दूसरी खिलाफ वर्जी जो यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे दो डिफरेंट टीम्स हैं, सुपर अल्ट्रा मेगा टीम
और बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। अब इन दोनों टीम जो हैं, इन दोनों की जो प्राइमरी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये दोनों प्राइमरी वैल्यूज़ यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी की असूल की खिलाफ वर्जी की गई है कि यहाँ पे दो जो टीम्स थी, इन दोनों टीम्स को हमने एक जैसी वैल्यू असाइन की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो ये दोनों टीम्स हैं, इस टीम को भी T5 वैल्यू असाइन की गई है और ये जो दूसरी टीम है इसको भी T5 वैल्यू असाइन की गई। इससे पहले हमने एंटिटी इंटीग्रिटी के असूलों में ये बात पढ़ी थी कि वहाँ पे जो है वो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने ख्याल रखना है कि जब कभी भी हम कोई टेबल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो प्राइमरी की होगी उसके अंदर कोई भी प्राइमरी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं इसके जो ये देखें, यहाँ पे इंडिकेट किया गया इस पिक्चर के अंदर कि यहाँ पे टीम सुपर जो है इसको वैल्यू असाइन नहीं की गई और बाकी जो दो ये टीम्स हैं यहाँ पे एक जैसी वैल्यूज़ शो की गई हैं। अब चलते हैं जो हमारे पास दूसरा अहम हसूल होता है डाटा इंटीग्रिटी का, वो कहलाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दरअसल मुतालिक होता है जब हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एक टेबल है यहाँ पे टीम का, एक टेबल है यहाँ पे प्लेयर का। अब टीम का जो टेबल है इसकी यहाँ पे आपको ये प्राइमरी की नज़र आ रही है, इसको हम P.K से शो कर रहे हैं। इसकी प्राइमरी की कनेक्टेड है यहाँ पे प्लेयर के टेबल में फॉरेन की के साथ। यहाँ पे जो टीम आईडी है ये यहाँ पे एज ए फॉरेन की शो हो रही है, जिसको हम F.K से जाहिर करते हैं। तो इस वजह से दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के असूल के मुताबिक जो फॉरेन की होगी यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो कि प्राइमरी की में ओरिजिनली पाई ना जाती हो। अब देखें यहाँ पे हमने एंटर किया T8, अब T8 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता हमारी प्राइमरी की में। प्राइमरी की में आप देखें T1 से लेकर T6 तक वैल्यूज़ मौजूद हैं, कहीं पे आपको T8 दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हम फॉरेन की जो भी एंटर करेंगे तो इस बात का हमने यकीन करना है कि हमारी फॉरेन की जो है वो प्राइमरी की के साथ मैच करती हो। अगर फॉरेन की कोई भी वैल्यू प्राइमरी की के साथ मैच नहीं करेगी तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के असूल की खिलाफ वर्जी होगी। तो डाटा इंटीग्रिटी के असूलों को मजबूत बनाने के लिए हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ख्याल करना चाहिए, और इससे पहले जो हमने पढ़ा एंटिटी इंटीग्रिटी, इसके जो असूल हैं वो हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा।